तो आज मैं बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अम्ब्रेला मशीन में आके जैसे हल्के कपड़े होते हैं, जैसे देखिए समझिए ये जो है साड़ी या दुपट्टे का कपड़ा है, जैसे पाइपिंग लगाते हैं तो उसमें जो होता है नम करने लगती है कपड़ा, मतलब कि सिकुड़ने लगती है। तो पहले आपको मैं चला के दिखाता हूँ तो आप समझिए कैसे सिकुड़न की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आपको सिलाई लगाना है, ये देखिए देख रहे कैसे सिकुड़न आ रही है। ये समझिए डबल कपड़े पे सिकुड़न आ रही है, अगर सिंगल चला देंगे तो बहुत ही भयानक आएगी। देखिए आप कैसे सिकुड़न आ रही है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं। तो आज वही ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप देखिए जैसे थोड़ा सा और चला के दिखा देता हूँ आप लोग को कि आपको सही से पता चले। देख रहे कैसे सिकुड़न आ रही है, ये सिकुड़न देखिए कैसे कम होगी। असल बात ताकत सेटिंग होती है मेन, जिससे आप जो ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कपड़ा निकाल लें, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे आप इसकी सिकुड़न को ठीक कर सकते हैं। देखिए जब ऊपर अगर सिकुड़न जैसे देखिए आ रही है, ये चलाने देखिए ऐसी सिकुड़न आ रही है, तो आपको इसमें जो सबसे पहले जो है डिबिया का तागा आपको देखना है कि ज़्यादा ढीला तो नहीं चला, लेकिन इसमें जो है ढीला चलता है, लेकिन अगर ज़्यादा ढीला चलेगा तो आपकी सिकुड़न ज़्यादा आएगी। तो सबसे पहले आपको डिबिया निकाल लेनी है, ये देखिए डिबिया निकाल ली। अगर आपके पास बाई चांस कोई पेश कर नहीं छोटा तो आप हल्के से देखिए, जैसे आपने पहले इसको तागे को एडजस्ट करके देखिए कितना ढीला चल रहा है, इसमें एकदम ढीला चल रहा तागा, तो इसको जो है हल्का सा टाइट करना है आपको, इसी बाबिन से आप टाइट कर सकते हैं। और बाद में इसको लगाइए, अभी भी बहुत ढीला है। देखिए आपको पीछे वाला ज़्यादा टाइट नहीं करना है, मेन जो है आपको चीज आ गया जो है इसको टाइट करते रहना, हल्का सा टाइट हो गया। अब तो हल्का सा टाइट हो गया है, तो इसको आप पहले लगा के दें, और प्लस आपको ऊपर का ताकि जो ज़्यादा टाइट नहीं करना, हल्का मीडियम जो रखना है आपको, ताकि नॉर्मल सिलाई सही आना चाहिए। सबसे पहले तागा निकाल लें, तागा आने के बाद दोनों तागे को पकड़ के पीछे कर दें, इसके बाद आपको कपड़ा लगाना है। अब आपको देखना है नॉर्मल सिलाई आई कि नहीं आई। देखिए जैसे कि देखिए सिकुड़न जो है आपकी बहुत हद तक ख़त्म हो गई है एकदम, जैसे देखिए एकदम फ्रेश टाका आ रहा है, एकदम सिकुड़न आके नहीं आ रही है। तो ये क्या कमी थी इसमें, बाबिन केस की कमी थी। तो इसको थोड़ा सा और चलाते हैं हम, तो भाई चांद बहुत लोग को लगता है कि इसमें देखिए हल्का हल्का देखिए आपको लग रहा होगा टाकों पर हल्का हल्का सा लग रहा होगा हरा हरा टाइप का आ रहा है, लेकिन क्यों इसमें जो है दो रंग का टाका लगा है, नीचे हरा लगा ऊपर जो है काला लगा है, इसमें आपको लग रहा है। इसको और चला के दिखाते हैं, देख लिया आपको कहीं पर सिकुड़न जैसी मिल लगेगी। तो जैसे कि हम आपको निकाल के भी दिखा दे रहे हैं, देख रहे एकदम फ्रेश टाका आ रहा है, पीछे भी देख लीजिए एकदम बढ़िया टाका, कोई सिकुड़न नहीं है जैसी भी। इसको आप खींच भी लेंगे देखिए तब भी जो है आपका अब टूटेगा टाका, लेकिन उसमें क्या था एकदम सिकुड़ जा रहा था कपड़ा। तो इसके लिए आपको जो है अगर आपको बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे खींच के टाका फट सकता है, तो उसको भी हम आपको ट्रिक दिखा देंगे, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं पक्का कैसे करें। सबसे पहले आपको टाका रोक लें, अगर आप लोग बहुत लोग चाहते हैं कि जैसे हम मांगे तो सिलाई आपको दिखा रहे हैं एक बार, उसको भी आप समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छी बात होगी। जैसे आपने मान लिया इतने सिलाई लगाई और उसको जो आपने निकाल ली, बहुत लोग को नहीं पता है जैसे हमने निकाल ली, और बहुत लोग क्या करते हैं एक तार जो है पकड़ के खींचते हैं और देखिए सिलाई पूरी खुल गई, पूरी सिलाई गायब हो गई। तो इसके लिए भी आपको एक तरीका है जिसको आजमा सकते हैं, मतलब कि आप कर सकते हैं चाहे तो, उससे आपकी सिलाई जल्दी नहीं खुलेगी। सबसे पहले आपको जो है देखिए आपको दिखता होगा बैक सिस्टम, आपने देखिए दो हाथ चलाए मशीन में, और देखिए आप थोड़ा सा ताकत टूट गया, इसको फिर से मैं डाल दिखाता हूँ। थोड़ा सा काला ताकत दिक्कत हुई ताकत डालने में, देखिए ताका पड़ गया, इसको जो है थोड़ा चलाएंगे और आपको जैसे बैग दबाना है, देखिए बैग ये पक्का हो गया, इसने पक्का कर लिया, अब चला लिया आपने,
और अब देखिए निकाल लेंगे तो इससे क्या होगा आपका ताका जो है जल्दी जो है, ये देखिए यहाँ पे देखिए टाकी बन गई। अब जो है ताका आपका नहीं खुल रहा है। तो बस आज की वीडियो में यही था कि आप जो है झोलदार सिलाई आ रही है उसको ठीक कैसे करें। और बाय द वे जो है अगर आपकी मशीन में कोई भी दिक्कत भी आ रही है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी मशीन के रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है जैसे ताका काट रही है, लच्छे दे रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देगा।